सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं एक बार, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, देखिए। जनजीवन प्रभावित हुआ, सरकार ने पहले से ही प्रशासन को इसके बारे में निर्देशित किया था कि पहले से ही हम नौकाओं की व्यवस्था करके रखें, जो प्रभावित परिवार हों, जिनके घर के अंदर पानी घुस जाए, उनको फूड पैकेट उपलब्ध करवाएं, राहत पैकेट भी उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें, और साथ साथ अन्य सामग्री जो भी एक घर के लिए आवश्यक है वह सभी करने के साथ साथ मेडिकल की व्यवस्था भी, क्योंकि बरसात के समय तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं जो स्किन से संबंधित होती हैं, जल जनित होती हैं, और पानी निकलने के बाद भी मच्छर आदि के प्रकोप के कारण कुछ बीमारियां होने की संभावना होती है। इन सब की सावधानी हमें प्रारंभ से ही करनी होगी। बाढ़ के अंदर पानी भरने के कारण सांप के काटने, बिच्छू के काटने और अन्य जंगली जानवरों के साथ साथ कुत्तों के काटने की शिकायतें भी सामने आती हैं। इसके लिए एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज के वैक्सीन भी जगह जगह हॉस्पिटल में रखवाने के लिए पहले से निर्देशित किए गए। बाढ़ राहत सामग्री को समय पे टेंडर करके पीड़ित परिवारों को, प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए।